हाय आई एम श्रेया। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लखनवी चिकनकारी कुर्तीज। सो ये सारी कुर्तियां मैंने लखनऊ के अमीनाबाद मार्केट से ली है, एंड जो लखनऊ में रहते हैं उन्हें पता होगा कि अमीनाबाद मार्केट कहाँ है। एंड जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूँ, अमीनाबाद मार्केट लखनऊ का सबसे बड़ा मार्केट है जहाँ पे स्ट्रीट शॉप्स लगते हैं, एंड बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अभी आपको क्लिप दिखा होगा, वो अभी की है, तो अभी फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से भीड़ नहीं थी। एंड जो बाहर में स्ट्रीट शॉप्स लगते थे ना, वो भी नहीं लगा हुआ था, बस जो शॉप्स थी वहीं से सब लोग शॉपिंग कर रहे थे, एंड भीड़ भी बहुत कम थी। एंड गाइस, लखनऊ में नया मॉल खुला है, फिनिक्स प्लाजियो मॉल। सो पहले आप वो क्लिप देख लें, उस मॉल का थोड़ा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैंने शूट किया था। सो पहले आप वो देख लें, उसके बाद हम बात करते हैं उस मॉल के बारे में, कहाँ पे है वो। सो पहले आप क्लिप देख लो। तो आपने क्लिप देख ली, बहुत ही अच्छा वाला मॉल है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड मेरे घर से बहुत ज़्यादा नज़दीक में आई गैस 10 मिनट का रास्ता है, बहुत ही नज़दीक में है। एंड जो स्टेडियम खुला है लखनऊ में, ठीक उसके अपोजिट साइड में है, आप वहाँ पे एक बार ज़रूर जाएं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। एंड वहाँ का डेकोरेशन, माई गॉड, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड वो बाहर से उसका लुक तो मॉल जैसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो लगा जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा कि बड़ा सा होटल साइट टाइप का लुक दे रहा था वो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो अगर आप अभी जा सकती हैं, वैसे तो खुला है वो, बट वहाँ थोड़ी बहुत सेफ्टी आपको रखनी पड़ेगी, बस थोड़ी सी सेफ्टी रखना है एंड आप आराम से घूम सकते हैं। सो चलिए फिर, वहाँ से 5 कुर्तियाँ बाई की हैं, लेट मी शो यू। सो एक रेड है, एक वाइट है, एक सी ग्रीन कलर बोल सकती हैं आप, या फिर आप इसको स्काई कलर बोल सकती हैं, जो भी आपको बोलना हो। एक वाइट कलर की कुर्ती अगेन है, बट ये शॉर्ट कुर्ती है, एंड एक ब्लैक कलर की है। सो मैं आपको इसको स्टाइल करके भी दिखाने वाली हूँ कि आपको किस टाइप से इन कुर्तियों को स्टाइल कर सकती हैं, ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, इसके अंदर नीथ आपको क्या पहनना है, एवरीथिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। सो जो सबसे पहला कुर्ती है वो ये है, फुल्ली कॉटन का फैब्रिक है ये वाला, एंड ये शॉर्ट कुर्ती है, मैंने इसको अपनी जीन्स के साथ वेयर करने के लिए लिया है, बट आप इसको अपनी लेगिंग्स या फिर प्लाजो के साथ भी वेयर कर सकती हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है। सो यहाँ पे आपको ऑल ओवर ना पिंक कलर के थ्रेड से वर्क मिल रहा है, आप देख सकती हैं। सो काफ़ी ब्यूटिफुल सा वर्क दिया गया है, एंड ये टोटली कॉटन की है, बट हाँ थोड़ी सी थ्रू है, तो आपको इसके अंदर नीथ कुछ वेयर करना पड़ेगा, स्पेगेटीज वगैरह कुछ भी। स्लीव्स आपको इसमें क्वार्टर स्लीव मिलती है, स्लीव से भी आपको वर्क मिल रहा है, काफ़ी खूबसूरत एंड काफ़ी कंफर्टेबल वाला फैब्रिक है इसका। प्राइस मुझे इसका याद नहीं है, स्क्रीन पर मैंशन मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी मैं। सो फ्रंट में आपको ऐसा कुछ राउंड नेक मिलता है, बैक साइड में भी आपको वर्क मिल रहा है, आप देख सकती हैं छोटी छोटी बूटियाज बनी हुई हैं, एंड फ्रंट में भी सेम वैसे ही है, नेक पे आपको थोड़ा हैवी वर्क मिल रहा है एंड देन नीचे साइड में। सो इसका ओवरऑल लुक बहुत ज़्यादा प्रिटी है, आपको अभी राउंड में दिख जाएगा वो। सो या दिस इज द फर्स्ट वन। ब्लैक कलर है ये, कुछ ब्लैक कलर्स ऐसे होते हैं जो हल्का ग्रेइश टाइप का ब्लैक कलर दे देते हैं आपको, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डार्क ब्लैक कलर है ये। सो इसमें भी आपको फ्रंट में फुल्ली वर्क मिल रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा महीन वर्क भी नहीं बोलूँगी मैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वर्क भी नहीं है, मीडियम साइज के वर्क आपको इसमें मिल रहे हैं, एंड ये जॉर्जेट फैब्रिक में आप देख सकती हैं,
एंड साइज आपको साइज इशू हो सकता है, क्योंकि लखनवी चिकनकारी कुर्तियाँ जो होती है उसमें आपको साइज कभी भी परफेक्ट नहीं मिलने वाला है. सो ये प्रॉब्लम आप कितने भी महंगी चिकनकारी कुर्ती ले ले, कहीं से भी ले ले, आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. सो आपको ऑलवेज चिकनकारी कुर्ती को फिटिंग करवाना पड़ेगा. मैंने भी सबको फिटिंग करवाया है. सो फ्रंट में आपको ऐसा राउंड नेक मिलता है एंड साथ में यहाँ पे वी कट कट दिया हुआ है. वर्क आप देख सकती है नेक पे, बहुत ही लंबा वर्क आपको मिल रहा है. एंड पूरी कुर्ती पे नीचे साइड में यहाँ पे वर्क खत्म है नेक वाला. एंड देन उसके बाद आपको कुछ ऐसा वर्क मिल रहा है, सेम कलर के थ्रेड से वर्क किया हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक आ रहा है. स्लीव्स पे भी आपको वर्क मिलता है, बैक साइड में भी. बैक साइड में आपको बस यहाँ पे एक पैच वर्क मिल रहा है, बड़ा सा एक चिकनकारी वर्क मिल रहा है यहाँ पे बस बैक में. ओवरऑल लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेंथ काफ़ी अच्छी है. नीचे साइड में भी जैसा स्लीव्स में आपको वर्क मिलता है ना, नीचे साइड में सेम वैसा ही वर्क यहाँ पे दिया गया है. सो इसके साथ मैंने वेयर किया था ये ब्लैक कलर का इनर जो कि मैंने स्टिच करवाया है, कॉटन फैब्रिक में है. सो आपको इस टाइप के यू नो चिकनकारी कुर्ती के साथ इस टाइप का इनर सिलवाना पड़ता है, या फिर आप बाय कर सकती हैं, बट मैंने स्टिच करवाया था. एंड इसका लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रहा था, आपको ट्रायल में दिखेगा मैंने इसको किस टाइप से स्टाइल किया है. दिस इज द नेक्स्ट वन. बहुत ही खूबसूरत है, इसमें व्हाइट कलर के थ्रेड से वर्क हो रखा है, आप देख सकती हैं. सो अगर लुक की बात करूं बहुत खूबसूरत है. नीचे साइड में भी आपको सेम वैसे सेम बूटी वाला वर्क मिल रहा है, इस टाइप से पत्तियां बनी हुई हैं. नेक पे आपको हैवी वर्क मिलता है एंड नीचे साइड में इस टाइप्स के वर्क मिल रहे हैं. बैक में आपको यहाँ पे एक वर्क मिल रहा है एंड देन फिर छोटी छोटी जो पत्तियाँ आगे बनी हुई थी सेम वैसा ही पूरे कुर्ती पे बैक साइड में भी बना हुआ है. सो कुर्ती की लेंथ काफ़ी अच्छी है. एंड मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि वो किसी भी कलर के चिकनकारी कुर्ती के साथ व्हाइट कलर का इनर वेयर कर लेती हैं, जो कि बहुत गंदा लगता है. सो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, ऑलवेज जिस कलर का आपका कुर्ती है उसी कलर का इनर वेयर करें, उससे लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है, आपको ट्रायल में दिखेगा. सो इसको मैंने व्हाइट कलर के पैंट्स के साथ वेयर किया है एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक आ रहा था. एंड मैंने ज्वेलरी सेम इसी कलर की वेयर की थी, झुमका वेयर किया हुआ है मैंने, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, आपको ट्रायल में दिखेगा वो. सो इसके साथ मैंने आप देख सकती हैं सेम कलर का लाइनिंग सिलवाया है अंडरनीथ वेयर करने के लिए, कॉटन फैब्रिक में है. मोर थिंग, जब भी आप इनर सिलवाती हैं तो मेक श्योर कि आपका जो स्लीव्स हो वो बहुत ज़्यादा चौड़ा ना हो, जितनी आपकी कुर्ती की लेंथ स्लीव्स की लेंथ है उतनी ना सिलवाएं. ऑलवेज मेक श्योर कि आप स्लीवलेस सिलवाएं, उससे लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है. यू नो, आपका जो हैंड का पोर्शन है वो विजिबल होता है कुर्ती के अंदर से, तो लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है. यू नो, थोड़ा स्टैंडर्ड एंड क्लासी वाला लुक देता है आपको. सो मेक श्योर कि ऑलवेज स्लीवलेस ही सिलवाएं आप. सो या दिस इज द नेक्स्ट वन. ओवरऑल लुक ट्रायल पार्ट में आपको दिख जाएगा. चिकनकारी कुर्ती, सेम फैब्रिक है इसका भी, जॉर्जेट सिफॉन फैब्रिक है इसका, आई गेस. यस, ये जॉर्जेट सिफॉन फैब्रिक है.
इस पे ऑल ओवर आपको वर्क मिल रहा है। ये मुझे थोड़ी सी महंगी पड़ी थी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वर्क है, आप देख सकती हैं पूरा पूरी कुर्ती पे वर्क मिल रहा है आपको। एंड इसमें गोल्डन कलर के आई डोंट नो ये क्या है, बट काफ़ी अच्छे से स्टिक किया गया है, मतलब स्टिचिंग की गई है, स्टिक नहीं किया गया है कि वो मतलब वॉश करो और निकल जाए, बिल्कुल नहीं होने वाला, अच्छे से स्टिक किया गया है इसमें। यू नो अच्छे से इसको सिलाई करके इसमें स्टिक किया गया है। सो फ्रंट में आपको ऐसा राउंड नेक मिल रहा है एंड यहाँ पे हल्का सा एक कट है। स्लीव्स आपको फुल स्लीव्स मिल रही है इसमें, आई थिंक थोड़ी सी छोटी होगी बट हाँ फुल स्लीव है। स्लीव भी आपको ऑल ओवर वर्क मिल रहा है एंड कुर्ती पे तो पूरी वर्क आपको मिल ही रही है, आप देख सकती काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है। यू नो बहुत ही फाइनली वर्क किया गया है, आपको एक एक वर्क नज़र आने वाला है। सो एंड बैक साइड में आपको सेम बूटियाँ मिल रही हैं, आप देख सकती हैं। सो आप देख सकती हैं आपको बैक में भी वर्क मिल रहा है। सो ओवरऑल लुक काफ़ी खूबसूरत है एंड चिकनकारी कुर्तियाँ व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर की चिकनकारी कुर्ती हर लड़की के पास होती है और होनी चाहिए क्योंकि एक व्हाइट कलर ऐसा कलर है, व्हाइट एंड ब्लैक ऐसा कलर है जो आप किसी भी यू नो ओकेजन में वेयर कर सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। एंड इसके साथ भी मैंने व्हाइट कलर का यू नो इनर सिलवाया है, व्हाइट के साथ व्हाइट बहुत खूबसूरत लगता है। सो या दिस इज द नेक्स्ट वन। इस पे ऑल ओवर व्हाइट कलर का थ्रेड वर्क हो रखा है एंड ये अनारकली चिकनकारी कुर्ती है। सो अगर स्लीव्स की बात करूँ तो स्लीव्स आपको आप देख सकती काफ़ी लंबी है, यहाँ तक आई गेस आएगी। स्लीव्स से भी आपको वर्क मिल रहा है फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे एंड यहाँ पे भी आपको वर्क मिल रहा है। सो कुर्ती की बात करूँ तो कुर्ती टोटली अनारकली पैटर्न में है एंड इस पे लंबे लंबे से यू नो वर्क दिए गए हैं, वर्क किया गया है चिकनकारी का एंड नीचे साइड में आपको कुछ इस टाइप का वर्क मिल रहा है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है एंड फ्रंट एंड बैक दोनों साइड्स पे आपको वर्क मिल रहे हैं। घेर अच्छा खासा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी बहुत कम भी नहीं बोलूँगी बट नॉर्मल घेर है, अच्छा लग रहा है। फ्रंट में आपको राउंड नेक मिलता है एंड यहाँ पे क्योंकि ये चिकनकारी कुर्ती अनारकली में है तो इसके साथ स्ट्रेट इनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है, इसके साथ आपको अनारकली इनर ही सिलवाना पड़ेगा जैसे कि मैंने सिलवाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये रेड कलर की आप देख सकती हैं, आप देख सकती हैं रेड कलर की एंड ये अनारकली फॉर्म में आप देख सकती हैं, मैंने इसको स्टिच करवाया है। सो आपको अनारकली फॉर्म में ही स्टिच करवाना है वरना अगर आप स्ट्रेट वाला स्टिच करवा लेते जैसे बाकियों का मैंने करवाया है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड वन मोर थिंग, मेक श्योर कि आपका जो अनारकली का लेंथ है ना उसी लेंथ के हिसाब से आप सिलवाएं, आप थोड़ा सा मतलब छोटा सिलवा सकती हैं, यहाँ तक चलेगा क्योंकि उसके बाद तो इतना, अगर आपका इतना गैप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए आपके इनर और कुर्ती में वरना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही वियर्ड सा लुक आता है वो। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि आपको चिकनकारी कुर्ती के साथ किस टाइप की लाइनिंग सिलवानी चाहिए, इनको स्टाइल करके भी दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको यू नो आप उसको किस टाइप से स्टाइल कर सकती हैं। सो या दिस इज़ द लास्ट वन, ओवर लुक आपको ड्राइंग पार्ट में दिख जाएगा। और भी बहुत सारी शॉपिंग की, सारे प्रोडक्ट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगे। इस वाले में मैं बस चिकनकारी कुर्तियाँ शेयर करना चाहती थी आपके साथ क्योंकि लोगों को चिकनकारी कुर्तियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो मैंने सोचा मैं, अगर आप लखनऊ में रहती हैं तो आप डेफिनेटली जाके वहाँ पे एक बार चेकआउट करें, आपको बहुत सारा कलेक्शन मिल जाएगा, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा आपको वहाँ पे मिलेगा। मैंने ये सारे 2100 में बाई किए हैं 5 कुर्तियाँ जो कि मुझे
काफी रीजनेबल लगे, क्योंकि 2100 में 5 कुर्तियां रीजनेबल ही लगेंगे यार, चिकनकारी कुर्तियां, बिकॉज चिकनकारी कुर्तियां बहुत महंगी आती है, मैंने बहुत महंगी महंगी भी देखी है, वहां पे 2000 रुपीज के भी थे, 3000 रुपीज के भी थे, सो काफी महंगी वाली भी थी। सो अगर आपको महंगा बाय करना है तो आप महंगा भी ले सकती हैं, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा अफोर्डेबल रेंज वाला बाय किया है, ताकि आप अगर आपको बाय करना हो तो आप डेफिनेटली जाके बाय कर सकती हो। दैट्स व्हाई मैंने उनका नंबर भी लिया था, उन्होंने कार्ड दिया था मुझे, बट राइट नाउ मुझे मिल नहीं रहा, बट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो अगर आपको बाय करना हो तो आप उस नंबर पे कॉल करके बाय कर सकती हैं। या एंड वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गर्ल्स, टिल देन बाय बाय।